हाय गाइस, सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में रवे और चावल और आलू के पकोड़े बन रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये हमने है ना चावल लिए है एक कटोरी, उसको हमने 4 से 5 घंटे तक भिगो दिए थे। अब इसको धो के मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने चावल पीस लिए और ये इसमें डाल लिए हमने। अब हम इसमें एक कटोरी रवा डालेंगे और ये 5 आलू हमने लिए हैं जिनको उबाल के हमने फ्रिज में रख दिए, ठंडे हो गए। अब इसको छील के कद्दूकस करेंगे। आलू हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हरी भी डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अब कुछ स्पाइसी मसाले खड़े बनाएंगे। एक पैन रखा है, उसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे हम। 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे इसमें। ये 15-20 हमने काली मिर्ची डाली है, वो भी इसमें डाल देंगे। इनको मामूली से रोस्ट करना है ताकि इसकी थोड़ी नमी खत्म हो जाए और हम दरदरा सा इसको कूट सकें। 1 चम्मच हम खड़ा धनिया डाल देंगे। क्या हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालेंगे। और 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची बारीक चॉप करी डालेंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और अच्छे से अब हाथ से मिक्स करेंगे इसको। इसको एकदम टाइट ही डोल लगाना है, एकदम पकोड़े जैसा नहीं लगाना है। दरदरा मसाला कूट के रखा है, वो भी हम इस टाइम डाल देंगे इसमें। और थोड़ा पानी डालकर मामूली सा गीला करेंगे। देखिए ये हमने बैटर को अब इस थैली में भरेंगे हम, चम्मच की मदद से इस तरीके से इसमें भरेंगे। जो केक पे डिजाइन करते हैं वो लगाया है इसमें और ऑयल भी रख दिया है। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ अच्छे से एक रबड़ बैंड लगा लेंगे। देखिए अब इस पे हम अच्छे से लहर बनाएंगे, इसे गोल लिए बस और इसके ऊपर यहाँ चढ़ाए और इस तरीके से तेल में छोड़ देंगे। पकौड़े अच्छे तरह से सिक गए हैं, अब इनको निकालेंगे हम। इसे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से बना कर खाइए बारिश में और इंजॉय कीजिए। और अब एक और डिजाइन बनाकर दिखा रहे हैं हम आपको। तरीके की डिजाइन में बना के खाइए। इसी तरह हम सब पकोड़े बना देंगे। देखिए हमारे चावल और रवे के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तोड़ने से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। 2 डिफरेंट बनाए हैं हमने, रिंग वाले भी बनाए हैं और ऐसे भी। बारिश के मौसम में तरह तरह के पकोड़े बनाकर खाने में बहुत मजा आता है। आप कमेंट में बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।